Hey YouTube फैमिली, क्या हाल चाल। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ बैटिंग ग्लव्स के ऊपर वीडियो। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई सजेशन है वो भी मुझे बताएं। तो मेरे पीछे हैं सौरभ जी एंड अभिषेक जी, मैं हूँ क्रिकेटर शॉप जीरकपुर में। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि वीडियो है बैटिंग ग्लव्स पे। तो यहाँ पर हैं दोनों और इनके पीछे हैं बैटिंग ग्लव्स। कहाँ से रेंज स्टार्ट होती है आपकी? रेंज जैसे अंकित भाई हमारी स्टार्ट हो जाती है 800 रुपये 900 रुपये से, और उसकी रेंज आती है अप टू 4500 4000 5000 में भी आते हैं ग्लव्स। तो ये रेंज सारी मिलेगी आपको, उसके बीच की भी रेंज मिलेगी 2000 1500 2500 3000, मतलब जिसकी पॉकेट में जैसा सूट करेगा वैसा ग्लव्स यहाँ से ले सकता है, और तो हर ब्रांड में भी आएगा। मैं यहाँ पे कुछ अपने कैमरा से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे धोनी और केएलआर के भी मुझे दिख रहे हैं, पांड्या के भी दिख रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जैसे धोनी के जो ग्लव्स यूज करते हैं, जो विराट कोहली यूज कर रहे हैं अभी, वो आपको ग्लव्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और प्लेयर्स ग्लव्स भी पड़े हैं, पोलार्ड के हो गए जैसे, और डीजे ब्रावो के मेरा पीस पड़े थे अभी, कल ही निकले हैं रात को। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बजट से शुरू करें और एक प्लेयर एडिशन के ग्लव्स तक हम बढ़े। देखिए ग्लव्स में अभिषेक आपको अभी थोड़े ग्लव्स निकाल के रखते, जब मैं बता देता हूँ उसके बारे में कैसा रहता है ग्लव्स में। ग्लव्स में रेंज स्टार्ट होती है बेसिक से, जो मेन क्वालिटी ग्लव्स की होती है लेदर की होती है, जिसमें तीन टाइप के लेदर आते हैं। वो लेदर क्वालिटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी ग्लव्स का प्राइस रेंज बढ़ता जाएगा। जो टॉप रेंज में ग्लव्स का लेदर आता है वो इंडियन इंग्लिश पिटार्ड आता है, तो जो इंग्लिश पिटार्ड के साथ ग्लव्स होगा वो आपके 3500 से ऊपर का ही होगा। जो नॉर्मल रेंज में रहता है उनमें कौन सी पैटार्ड होती है? उसके नीचे आता है शीप लेदर। शीप लेदर उसके नीचे आएगा, शीप लेदर के नीचे का रेंज है, उसके नीचे फिर इंडियन पैटार्ड भी आता है एक। ठीक है, और जैसे स्टार्टिंग रेंज अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये 1000 रुपीज के ग्लव्स हैं। ये देखिए 1000 रुपये का ग्लव्स है, एच जी एलीट मॉडल नेम है इसका। ये है 800 का, 799 की से मारती है, और RHDS स्ट्रीम मॉडल नहीं। अब ये देखिए इसके नीचे की जो लेदर है ये क्वालिटी कैसी है, ये इस पर डिपेंड करता है ग्लव्स कहते हैं। इसकी थोड़ी सी क्वालिटी आप देखेंगे थोड़ी सी बढ़ गई है, और प्रोटेक्शन भी इसकी नॉर्मली कुछ नॉर्मल सी है कि वही प्राइस के हिसाब से इन्होंने क्वालिटी प्लस हर चीज प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे प्राइस आप होता रहेगा वैसे वैसे क्वालिटी बढ़ती है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो काफ़ी जल्दी प्रेस हो जा रहा है, इसमें कोई जैसे सेफ्टी उतनी है नहीं क्योंकि प्राइस रेंज बिल्कुल बेसिक है ये। तो उसके बाद आपको एक रेंज इससे ऊपर मैं आपको, आज हम सारे ब्रांड में देखेंगे, जरूरी नहीं हम एक ही ब्रांड को कवर करेंगे, हर ब्रांड में जो अच्छे ग्लव्स हैं सॉर्टेड ब्रांड की वीडियो बनेगी। एलीट पड़ा एलीट, तो ये अनकट वीडियो चलेगी, यहाँ पे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी ये रेंज बढ़ गई है ऊपर, थोड़ी सी रेंज ऊपर चली गई। ये आगे बास में एलीट के ग्लव्स, इसमें देखेंगे थोड़ी सी यहाँ पे सेफ्टी और बढ़ गई। ये ग्लव्स सबसे ज़्यादा बिकने वाले ग्लव्स हैं, इसमें सेफ्टी भी है, कंफर्ट भी अच्छा और लाइट वेट ग्लव्स है बिल्कुल ये। उसके बाद इससे ऊपर की रेंज MRP इसकी, ये यूज साइज है, इसकी MRP है 1280 रुपये। मेंस में जाओगे तो इसकी MRP होगी 1350 रुपये। और अवेलेबल हैं सब आपके पास, स्टॉक में पीछे पड़े हैं। और ये 1670 वाला, ये एक प्रो सीरीज आती है शीप लेदर में आते हैं, ये शीप लेदर में आ गया आपका प्रो सीरीज। तो एक एंड यूजर एंड व्यूअर कैसे अपने आप को, अपना जो ले रहा है ग्लव्स आपसे ले रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लेदर की? आप मेंशन करते हो कि कहीं पे लिखा आता है कि शीप लेदर? टॉप रेंज आती है उसमें लिखा आता है, वही साइड में यहाँ पे ना पिटार्ड लेदर लिखा होगा टॉप रेंज में, नीचे की रेंज में नहीं लिखा होता लेदर कौन सा है। लेकिन जो MRF के ग्लव्स आ रहे हैं उसमें देखो आप, ये लिखा हुआ है यूज साइज RH शीप लेदर। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जेन्युइनिटी रखी हुई है, जो है वो लिखा हुआ है। अब मैं जैसे अभी हम टॉप रेंज की जैसे जैसे बात करेंगे तो उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि इंग्लिश पिटार्ड आता है तो उसमें इंग्लिश पिटार्ड लिखा रहेगा इंग्लिश पिटार्ड के नाम से। तो ये एक ग्लव्स आता है बास का, प्रो मॉडल नेम है इसका, यहाँ पे देखेंगे आप प्रो लिखा हुआ है, और उसकी MRP है 1670 रुपये मैन साइज, और ये काफी कंफर्टेबल ग्लव्स है ये भी। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी रेंज अप करते हैं, रेंज ऊपर बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं केएलआर, वो ये आइटम्स दिखाना जो रनिंग है और मोस्ट डिमांड रहती है हमेशा।
क्योंकि यहाँ पे ग्लव्स बहुत ज़्यादा हैं, हम इतनी वीडियो कवर नहीं कर पाएंगे, वीडियो हो जाएगी लंबी। अभी भी मेरे को, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अभी आगे केलर काफ़ी रेड एंड कैमो में इसका कलर है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इसमें आप देखिए, इसमें आप स्ट्रेट आती हैं, इसमें कट फिंगर्स काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, तो कट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरे वाले ग्लव्स हैं, ये स्ट्रेट में आ गए। इसका लेदर क्वालिटी बहुत अच्छा है, हल्का सा थोड़ा सा हैवी ग्लव्स है, बट इसकी जो आप बात करेंगे, पेस बॉल अगर लगती है इसमें, फास्ट बॉल लगती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी सेफ्टी 4 फिंगर सेफ्टी के साथ है ये। ऑल राइट, तो इसकी MRP? इसकी MRP रहेगी आपकी 2899, मतलब 2900 इसका MRP। बाकी डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। आप जो ये फिंगर कट की जो बात कर रहे थे, मैं इसकी MRP पहले एक बार आप दिखा दें। इसकी 2350 MRP है। तो फिंगर कट में और नॉर्मल में क्या फ़र्क रहता है? ये अपने कंफर्ट के ऊपर होता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें कट फिंगर्स में थोड़ा उनको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है, फिंगर्स मूव अच्छे से करती है। इसमें फिंगर थोड़ी आपके स्ट्रेट रहेंगी, उसमें फिंगर्स मूव नहीं करेंगी, तो सबके कंफर्ट के ऊपर होता है कि मेरे को जैसे ऐसा यूजर को पसंद है, को पसंद है जैसा, जैसे उनको जिसमें कंफर्ट आए, मोस्टली कट फिंगर ही मांगते हैं। ठीक है, बाकी ये ग्लास है, जैसे इसमें कट फिंगर्स है, ये इसमें देखिए आप, इसमें 3 कट है, 1 2 3, जैसे हमारी फिंगर्स में जॉइंट्स हैं वैसे जॉइंट्स है, सेम इसमें ऐसा जाएगा और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। लेकिन जैसा अभिषेक जी कह रहे हैं कि मोस्ट इन डिमांड फिंगर कट वाले ही रहते हैं, लेकिन ये फिर भी ये कहता हूँ, ये थोड़ा सा यूजर डिपेंडेंट है कि आपको कैसा पसंद आ रहा है। आप क्रिकेटर शॉप जीरकपुर में अपनी चॉइस रख सकते हैं, वो चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि कट फिंगर सारे डिमांड करते हैं, बट जितने आप प्लेयर्स के ग्लव देखेंगे वो सारे स्ट्रेट फिंगर ही होंगे, उसमें कट नहीं आएगा। और प्लेयर्स ग्लव जैसे अब ये आपने देखा होगा, काफ़ी टीवी पे देखा होगा ग्लव्स पहने, अरे मैंने देखा है, प्लेयर भी पता होगा सबके कौन से प्लेयर यूज। चलो मैं नहीं बताऊंगा, ना आप बताओ, आप कमेंट करो, कमेंट में बताएंगे, हम सिर्फ ग्लव दिखाएंगे। ठीक है, इस ग्लव्स की खासियत है कि ये देखिए, अब ये ग्लव्स के ना फिंगर्स के साथ ये थोड़ा सा बेंट रहता है यहाँ से, तो ये बेंट का मतलब कि आपका हाथ बिल्कुल शेप में आ जाएगा, एक तो हैंडल को पकड़ने के लिए ग्रिप अच्छी बनेगी और उसमें हाथ घूमेगा नहीं। ठीक है, तो वो एक कब सिचुएशन आती है कि बैट स्किप हो जाता है, यानी कि शॉट खेलते हुए हाथ से निकल जाता बैट, जब शटिंग हो गया, गीला हो गया, ग्लव्स हो गया, तो तब ये हाथ मूव कर गया, कुछ हो गया, इसलिए आपने देखा होगा हर कुछ 5 या 10 ओवर में ग्लव चेंज कर रहे होते हैं, पेयर नए नए ग्लव्स मंगा रहे होते हैं, कि शॉटिंग की वजह से हाथ स्लिप होता है बैट। तो ये इनमें भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं, कि बैटिंग की प्रॉब्लम आपको हर में रहेगी, इसलिए कहते हैं कि हम इनर ग्लव्स को आप यूज करें, अंदर इनर ग्लव्स से आप यूज करने में रहेगा कि थोड़ा स्वेटिंग को इनर ग्लव्स ले लेगा तो ग्लव्स में डायरेक्ट नहीं आएगा। और लॉन्ग इनिंग्स जो खेल रहे हैं उनको एक बार ये एक्स्ट्रा पेयर रखना चाहिए अपने साथ, बिल्कुल एक्स्ट्रा पेयर, कम से कम ग्लव्स के आपका एक्स्ट्रा 2 पेयर होने चाहिए। खुद जो प्लेयर्स की वीडियो है, 10 से 12 पेयर उनके ग्लव्स रहते ही रहते किट बैग में, पूरा भर रहा था किट बैग 10-12 प्लेयर। आपने कौन से प्लेयर की यहाँ पे जिक्र करा, कौन सा प्लेयर, क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मिल चुके हैं। वैसे मैंने जाता था रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, उनको फिट बैग ही भरा होता है, ग्लव्स से भरा होता है मेन, यूरो भी चेंज करते रहते हैं, प्रैक्टिस में अलग रखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे सौरभ जी ने भी ट्राई दे दी है। अब ये देखिए, इसमें जो आपको मैं बात बता रहा था, ये देखिए इसके फिंगर्स बिल्कुल कर्व में आएंगे, जैसे बाकी ग्लव्स पहनेंगे तो स्ट्रेट आ जाएंगे ऐसे, बट इसकी पहले से ग्रिप इतनी अच्छी है कि आपको जब बैट पकड़ेंगे तो पूरा फील होगा और इसमें हाथ बैट घूमेगा नहीं। और इसका जो एक ये चीज़ है थंब का, बाकी में देखेंगे थंब थोड़ा स्क्वायर में आता है, इसका थोड़ा थंब राउंड में है। तो इसकी MRP कितनी है जो आप मेरे आपको दिखा रहे हैं? ये है 2865 MRP है। ये 2865। और ये मेंस राइट RH है। RH। ये भी शीप लेदर में ही है, RH LS सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी टू वॉशेबल होते हैं, कैसे हैं? नहीं, ठीक है। और इसको हमेशा जैसे आप मैच खेलने के बाद धूप में भी नहीं सुखाना, अगर धूप में खेलने के बाद सुखाएंगे पसीने से ग्लव्स ये लेदर हार्ड हो जाएगा और हार्ड होके फटना स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल छांव में रख दो इसको, मतलब हवा लगनी चाहिए, धूप में नहीं सुखाना है इसको डायरेक्टली, बिल्कुल सही, मतलब कि ग्लव्स को मैच के बाद किट बैग रेड में रखना चाहिए इसको, नॉर्मल की 12 हवा में रख दो। अब जैसे MRF की हमने बात कर ली, अब आ गया कुक्का बुरा के ग्लव्स भी। पहले MRP दिखा दो, बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि आपने MRP नहीं बताई। 700 इज MRP। और ये ग्लव्स काफ़ी पुराने ग्लव्स ये चलते आ रहे हैं, सेम कलर थोड़ा कॉम्बिनेशन में चेंज हुआ है, कहूना 600 मॉडल नेम है। आजकल जो देखा होगा ये भी चल रहे ग्लव्स, उस पर अपने
मैक्सी ने यही ग्लव्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वो रेंज दूसरी है, वो प्लेयर एडिशन रेंज है। अब ये भी ग्लव्स, ये भी कंफर्ट के ऊपर होता है, जैसे इसमें देखो कट आएंगे तो दो आएंगे इसमें, कहीं में तीन आते हैं, कहीं स्ट्रेट आते हैं, इसमें दो कट आते हैं सिर्फ, कि आपकी सिर्फ फिंगर इतनी सी मूव करेगी, बाकी फिंगर आपकी स्ट्रेट रहेगी वैसी। तो ये एक चॉइस अपनी है कि आप अपनी अपने कंफर्ट के ऊपर है, जिसको जैसा कंफर्ट आ जाए। थोड़ा किसी को ब्रांड का भी होता है कि मुझे कोका बोरा ही ब्रांड यूज करना है, या फिर किसी ने एसजी यूज करना है, तो वो ब्रांड का भी रहता है, उस ब्रांड में जैसे वो यूज करते आ रहे काफी टाइम से, तो उसको कंफर्ट एक आ जाता है बस। और उसके बाद अभिषेक ने आपको दिखाएंगे अब ये वाले ग्लव्स भी। हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ग्लव्स कौन यूज करता है। एमआरपी बता दो। चलो इसके एमआरपी है 3600। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये कि यूज कौन कर रहा है, यूज कौन कर रहा है, लेकिन फीचर्स आप बताओगे। फीचर्स थोड़ा सा हिंट दे दो। फीचर्स की जैसे कि इसमें भी सेम वही है जैसे मैंने आपको बताया था, इसके फिंगर देखिए अब, और इसका अंदर टॉवल भी है जो शर्ट में थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है इसका, यानी कि टॉवल सिस्टम है, काफी ये सॉफ्ट आ गया, फोर फिंगर प्रोटेक्शन आ गई इसमें बिल्कुल। ये चारों फिंगर में देखेंगे आप डिजाइन थोड़े दिख रहा होगा, बॉल भी लगी ना 150 स्पीड से, तब भी कुछ नहीं होगा फिंगर। वैसे वही बात है, जैसा आप मीठा डालोगे क्वालिटी डलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे जैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे वैसे आपको कंफर्ट मिलेगा, वैसे आपको इसमें सेफ्टी मिलेगी। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बैट अच्छा लेते हो तो ग्लव्स भी अच्छे लो, बिल्कुल हेलमेट भी अच्छे लो, लेग गार्ड भी अच्छे लो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही लो साथ में, आप कॉम्प्रोमाइज लेंगे तो अच्छा रहेंगे। अगर आप लो क्वालिटी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट आपकी गेम पे भी करेगा, और इंजरी होगी तो वो ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब कुछ स्पेशल दिखाओ। अब इसके बाद हम स्पेशल पे आ गए हैं। कितने सारे ग्लव्स मैंने आपके लिए खुलवा दिए हैं, अब भी नहीं आप सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं कंटेंट में। तो मेरी यार देखो यही है मोटिवेशन कि आप सब्सक्राइब करोगे, मैं आपके लिए कुछ नया नया लाता रहूँगा, और इन दोनों की ड्यूटी मैं लगाता रहूँगा कि ये दिखाते रहेंगे। इतने में ऊपर नीचे ये हो रहे हैं यार, देखो कितनी आपके लिए करते रहते हैं जद्दोजहद चलती रहती है कि हम अपने व्यूअर्स को क्या क्या नया दिखाएं। तो लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो आ चुके हैं ग्लव्स, ये आगे देखिए अब टॉप रेंज के ग्लव्स हैं। ये मैं आपको जैसे बता रहा था कि पिटार्ड आता है एक लेदर, वो ये लेदर कहते हैं, इसको पिटार्ड लेदर कहते हैं। इस पे टैग भी इन्होंने लगा रखा है पिटार्ड वर्ल्ड क्लास लेदर, ठीक है। वर्ल्ड क्लास लेदर आता है पिटार्ड में ही आता है, इसमें कंफर्ट इतना आपको बढ़िया आएगा, ये बिल्कुल ग्लव्स थ्री कट फिंगर्स ग्लव्स हैं और बहुत लाइट वेट ग्लव्स है। ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी के साथ और बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा पकड़ के कि ग्लव्स मैंने पकड़ा हुआ है हाथ में। बिल्कुल आप पहनेंगे इसको बहुत लाइट वेट फील करोगे। और उसके साथ इसकी एमआरपी है 4150 एमआरपी है, और ये इंग्लिश पिटार्ड के साथ है, ये इंग्लिश पिटार्ड। इसमें एयर वेंटिलेशन हर फिंगर्स के साइड से दिए, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के साथ है, थंब के पास एयर वेंटिलेशन आ जाएगा, आपको पाम में भी आ जाएगा, और अंगूठे में भी मतलब थंब पे भी आपको थ्री कट दिया हुआ है यहाँ पे कंफर्ट के लिए। इसका एसजी में दूसरा है, एसजी में आके हाईलाइट मॉडल एसजी जो काफ़ी अच्छा निकाले ना ग्लव्स, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही प्रीमियम है। ये भी इंग्लिश पिकार्ड में आ रहा है, अभी मतलब इंग्लिश पिकार्ड के ये भी होते हैं थोड़ा कि स्लिप कम हो करता है थोड़ा। ठीक है, इसकी एमआरपी कितनी है? इसकी एमआरपी है, इसके अंदर दो तीन एक हाईलाइट एसजी वाइट आता है वो 42 अराउंड होगा। इसकी एमआरपी है 3699 की एमआरपी है इसकी। हर मॉडल के डिफरेंट प्राइस हैं। देखो अगर प्योर वाइट में जाओगे तो 4200 एमआरपी है उसकी। ऐसा क्यों कि कलर के कम है? ये मेरी क्यूरियोसिटी है, बाकी सोच है। वो कलर के रहता है और उसमें ना थोड़ा वेट उसका भी कम है इससे, ये थोड़ा जैसे हैवी है वो लाइट वेट है इससे भी। उसका पैड भी हाईलाइट करके आता है, बैटिंग पैड, ठीक है, और वो और दोनों पैड का कॉम्बिनेशन। 800 के दिखा दिए, मिड दिखा दिए हमने 2600, 3000 के दिखा दिए, अब 4000 की रेंज में आ गए, हमने आपको 4200 भी दिखा दिए। अब कौन सी रेंज है इसके ऊपर? एसएस ने बड़ा अच्छा निकाला ट्राई कलर में, इंडिपेंडेंट डे पे निकाला था उन्होंने 15 अगस्त को, जो हमने थोड़ी सी शॉर्ट्स डाले थे वो एक ग्लव्स है। ये भी आ गया अपना इधर पे शिप लेदर में आ गया अभी, और स्ट्रेट फिंगर आ गया, कर्व इसका भी अच्छा कर्व पूरा शेप दिया हाथ के दिया पूरा। तो
ये कुछ फीलिंग आ रही होगी आपको, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फीलिंग ऐसी अच्छी, झंडा आपके हाथ में है, ट्राई कलर का पूरा। हमने जैसे आप काफी प्लेयर्स के ग्लव दिखा दिए, तो एक ग्लव्स में आपको एक और दिखाना चाहूंगा। ये कलर देख के आपको समझ आ गया हो किसके ग्लव्स हैं ये जितने और जितने किस प्लेयर के ग्लव्स हैं ये। तो जितने सवाल जवाब ग्लव्स के लिए पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बाकी फीचर्स ये बताएंगे। बाकी फीचर में बताता हूँ, ये टेस्ट मॉडल नेम है इसका, टेस्ट इसका टेस्ट एक नॉर्मल भी आता है कलर में, ये टेस्ट आता है इसमें, लेकिन कॉम्बिनेशन आ गया गोल्डन एंड ब्लू। उसके साथ ही इसका लेदर क्वालिटी है बहुत ही सॉफ्ट है, जो मैं इंग्लिश पिटार्ड है, ये नहीं इंग्लिश पिटार्ड नहीं है, ये लेदर क्वालिटी इसका बहुत सॉफ्ट है। एयर वेंटिलेशन आप देखेंगे इसके थंब में हर साइड से दिया हुआ है, यहाँ से भी है और फिंगर्स के पास भी है, पाम पे भी है, और यानी कि मिनिमम स्वेटिंग की गुंजाइश रहेगी। और लुक इसका बहुत बढ़िया है, बहुत शाइनिंग लुक है इसका। और मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही है, थॉर का तो नहीं है? थॉर का नहीं है क्योंकि वो एवेंजर मूवी में भी उसने थानोस, सॉरी थानोस का, उसका नहीं है, बट ये किसी अच्छे प्लेयर का है, महान प्लेयर का है जो काफी, इससे पता चलता है कि मैं इंग्लिश मूवीज कम देखता हूँ। और ये आईपीएल एडिशन है ये। चलो इतना हिंट बहुत है, तो इसकी एमआरपी कितनी है? इसकी एमआरपी थोड़ी अपर की रेंज दिखाओ, लेकिन आपने अपर की रेंज दिखा दी और प्राइस देख के मुझे तो शॉक लग गया कि इतनी अच्छी क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी है, ये प्लेयर ग्लव्स है, मैं इसलिए आपको दिखा दे, प्लेयर ग्लव्स में आ जाएगा ये। मुझे लगता है इतने सारे जो आपने ग्लव्स दिखाए है ना, मुझे अपने पर्सनली एक ही एसएस का, बाकी सारे अपनी अपनी जगह है, मेरे पर्सनल ओपिनियन से एक ही ब्लू वाला, ये दो मुझे बहुत पसंद है। जो मुझे एक अच्छे लगते हैं क्योंकि हाईलाइट के आते हैं, क्योंकि लाइट वेट है। और एक और मैंने आपको दिखाया था बास वाले, ये वाले ग्लव्स बहुत बढ़िया ग्लव्स है, ये वाले बहुत कम्फी फील करेंगे आप इसको पहन के ना, बहुत सॉफ्ट है ये। ठीक है, और अभिषेक जी आप कौन से आप ढूंढ रहे हो? एक रह गया डीएससी का मेरे ख्याल से, वो डीएससी ऊपर है ना। हाँ, कुछ ढूंढ रहे थे अभिषेक जी, एक ब्रांड मिस था हमारे पास। डीएससी में व्हाइट वाले बहुत लाइट है, एक डीएससी का ये व्हाइट है। एमआरपी बता दो यार साथ साथ ना, थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन रहता है। 899 की सी एमआरपी है, तो इसका भी उन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्राइप सिंगल सा दिया है, कि बाकियों में देखा था बड़ा सा स्ट्राइप्स होता है, छोटा स्ट्राइप दिया इसका। और ये भी बहुत ही फील अच्छा था, लाइट वेट फील हो रहा है, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन है इसकी, फोर फिंगर प्रोटेक्शन है इसकी। ऑल राइट, वो हार्ड वाला की हार्ड भी तेज भी लगेंगे, लेदर काफ़ी क्वालिटी, लेदर का बहुत एक और, क्योंकि जो चीज़ हम फील करके बता रहे हैं, ये बहुत सॉफ्ट लेदर है, ये बहुत सॉफ्ट है। और इसकी फिंगर में देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ से थोड़ा उसको मोटा नहीं किया, यहाँ से ये चीज पतली कर दी बिल्कुल टॉप पे लाके ना, कि यहाँ पे सेफ्टी रहेगी और यहाँ पे आपका कंफर्ट रहेगा पूरा। काउंटर एज इसका मॉडल नेम है डीएससी का, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छा, और ये कट फिंगर्स में नहीं है, ट्रेडिशनल में है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर्स है। और ये फोर फिंगर प्रोटेक्शन के साथ है, इसमें चारों फिंगर में प्रोटेक्शन आ रही है, मतलब की इसको मैं देख रहा हूँ ज्यादा बल्कि भी नहीं लग रहा है, हाथ में पहन के ना छोटा सा बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आप तीसरी बार पहन रहे हो, देख रहा हूँ बहुत अच्छा फील कर रहा है इसको पहन के, बल्कि जा कोई होते हैं ग्लव्स बहुत बल्कि से लगते हैं, तो हैवी से क्या कोई स्पेशल ग्लव्स जो रह गए हों अभी? स्पेशल ग्लव्स अभी हमने जैसे ऋषभ पंत की सीरीज की बात नहीं करी है, ऋषभ पंत सीरीज की ग्लव्स वहां पर अभी पड़े हुए हैं। चलो मैं ये जल्दी आपको दिखा दूं, नहीं हमने हार्दिक पांड्या सीरीज की भी बात करी है, हार्दिक पांड्या ऊपर कैमरा एचपी 33 है, अरे वही है तेरे हाथ का वही एचपी लाइट, इसमें तीन चार सीरीज आती है, एचपी लाइट आता है, एचपी 33 आता है, जैसे बाकी ये वीडियो लंबी हो रही है, और एक ये ग्लव्स कलर में, ये कलर्ड ग्लव्स आ जाएगा। तो इतनी सारी चॉइसेस हैं, मैं चाहता हूं कि ये दो भाइयों का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इनको तंग करो रात को दिन में, लेकिन सोने मत देना, इनको तंग करो, जो ग्लव्स देखना है आपने स्पैम कर देना, इनको व्हाट्सएप करना कि भैया मुझे दिखाओ ग्लव्स, ये लो देखो, ये पहले जब सैम करन एडिडास से खेलते थे तब का ग्लव्स है, तभी एडिडास से आए थे कलर में सीएसके के लिए येलो में, ये एडिडास के ग्लव्स आ जाएंगे। बाकी आपको कलर ये कि ये जो कलर में दिखा रहे हो आप रेड वाले एसएसके, ये आईपीएल एडिशन में आते हैं,
तो आपके पास सारी ऑलमोस्ट सारी रेंज पड़ी ग्लव्स में। अभी काफी ग्लव्स पीछे पड़े हैं, हमने जो आगे फुल हो गए थे तो लगा नहीं सकते, पीछे स्टॉक में पड़े हैं अभी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है तो मुझे एक्सटेंड नहीं करनी। आपको ग्लव्स चाहिए जो यहाँ पे आपको नहीं दिखे, आप स्नैपशॉट लें अपने मनपसंद का, यहाँ पे इनको पास ऑन करें व्हाट्सएप पे, तो ये आपको अरेंज करेंगे। और आप कस्टम भी करवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, कोई स्टिकरिंग करवाना चाहते हैं तो ये भी सर्विस यहाँ क्रिकेटर शॉप जीरकपुर में अवेलेबल है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, आपका खुद का चैनल है छावड़ा लॉक। साइनिंग ऑफ, अंकित, बाय।